नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। एक तेज रफ्तार कार चालक ने दो विभिन्न स्थानों पर दो बाइकों को अपनी चपेट में लेने से चार युवाओं को गंभीर रूप से घायल कर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने लगभग 30 किलोमीटर तक पीछा कर कथित कार चालक को कीरतपुर साहिब के निकट दबोच कर थाने ले आई, और जहां पुलिस ने गंभीर रूप से घायल चारों युवाओं के बयानों के आधार पर कार चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल चारों गंभीर रूप से घायल युवाओं को उपचार के लिए नंगल के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। पहले सुने सिटी हलचल से बात करते, क्या कहा गंभीर रूप से घायल अभिषेक शर्मा ने। काम कर रहे गैसा इतने ट्रेंटी कृष्णा मोटर दे गड्डी दी पैप लेके निकलते थे, अस नंगल अपने काम पर आ रहे थे। चौंक पर राजीव चौंक से साढ़े पिछे चौंक च एक्सीडेंट हो गई, उन्होंने मेरे पिछा आकर जो ना गड्डी मारी जी लक च, मेरा हाथ पा सारा कुछ लोग लक जो मारी बहुत जो ना आई उड़ते, साडा समान भी उत्थे, साडा मोटरसाइकिल भी उधर ही आई सारा, फोन भी साडा उत्थे आई सारा कुछ। तुसी मोटरसाइकिल ते सी? मोटरसाइकिल पर ते आई। कार केड़ी सी? अटका कार आई। हां जी, इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते, क्या कहा घायल कृष्ण कुमार ने, जे भी सुने। तो आ रहे सी किथे एक्सीडेंट होया पूरी जानकारी? असि सर टाली और तो आ रहे थे। हाँ। ठीक है जी, इतने नंगल गड्डी का स्पेयर पार्ट लैन वास्ते, तो ये जड़ा अपना चौंक है भी राजीव चौंक, उत्थे पिछे तो गड्डी का ठोक गया। हाँ जी, ते गड्डी रुके के कर गया? नहीं, भज गया जी। सट्टा लग गया जी काफी, मेरे नाल एक दूजा मुंडा होर भी सीगा ओदे भी लग गया, तो मेरे भी पैर ते लग गया, ये सारे अपना सट्टा काफी लग गया। घायल अभिषेक राणा को भी सुने सिटी हलचल से बात करते, उन्होंने क्या कहा। असी जी बाइक ते सीगे, आपां काम करके आ रहे सीगे जी, ते आपां आराम नाल चल रहे सीगे अपनी साइड ते, ते ओह बंदा पिछे ते बहुत तेजी नाल आया जी, उन साडे बाइक च ही मारता जी, सानू मार के भज गया जी, उन मड़ा भी देखिया नहीं कि जी कोई इंजर्ड होया कि कोई कुछ होया है, उन आपां उन्हूं हाथ भी मारे कि भाई रुक जा, वह रुकिया ही नहीं, वह मार के भजने वाली की जी। उन्हें आप दोहे जने, मैं ते मेरा साथी, दोवे जने बहुत बुरी तरह डिगे हैं जी। आ देख लो जी साढ़े सट्टा किनिया लगिया ने। कितने काम करते हो? असी अनमोल कर एसी को काम करते हैं जी, आप एसी का काम करते हैं जी, साडा समान समून सारा कुछ उत्थे पिया सीगा, डिगया सीगा जी, सारा कुछ साडा अपना उत्थे आपां लैके आ रहे सीगे, जो अपना आराम नाल चल रहे थे आपां जी, ते उन्हें सानू मार के देखिया तक नहीं कि भाई की कुछ होया था नहीं, रब का शुक्र है जी बच गए हैं। इस बारे में और जानकारी देते थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी ने कहा कि गत देर शाम नंगल ऊना मुख्य मार्ग पर मुनीम चौक के निकट एक कार चालक ने पहले एक बाइक पर सवार होकर नंगल की ओर आ रहे अरुण कुमार सुपुत्र तिलकराज निवासी मनुवाल जिला ऊना व कृष्ण कुमार सुपुत्र सतपाल को जोरदार टक्कर मारी और फिर अपनी कार भगा ली, लेकिन कुछ दूरी पर सीआईएसएफ चौक पर जाकर दो बाइक सवार युवाओं अभिषेक राणा व अभिषेक शर्मा को फिर अपनी चपेट में ले लिया और गाड़ी फिर तेज रफ्तार से भगा ली, और पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया, लेकिन गांव अगमपुर के निकट लगे पुलिस नाके को तोड़कर कार चालक ने फिर से कार भगा ली और नाके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को भी अपनी चपेट में लेने का असफल प्रयास किया, लेकिन गाड़ी का पीछा कर रही नंगल की ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी एएसआई महेंद्र सिंह की टीम ने उसे इस कार चालक को कीरतपुर साहिब से कुछ दूर आगे जाकर दबोच लिया। उन्होंने कहा कि इस कार चालक जिसकी पहचान अमरजीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह निवासी अम्बाला हरियाणा के तौर पर हुई नशे के हालात में था और शहर के अन्य क्षेत्रों में भी चार और लोगों को अपनी चपेट में लेने की जानकारी भी मिली है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एटिका कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। थाना प्रभारी ने कहा कि कार चालक अमरजीत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां माननीय न्यायाधीश महोदय ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश जारी किए। सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते हुए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पवन चौधरी ने। इस तरह है कि कल एक अरुण कुमार जो कि थाना है लीडर रंगला, वो मोटरसाइकिल तो नंगल साइड आ रहे थे, तो नया नंगल एरिया एक एटिका गड्डी जड़ी के बड़ी स्पीड से उन्होंने हिट किया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इतला दी कि जोड़ा बंदा बड़ी रैश ड्राइविंग कर रहा, डेंजरस ड्राइविंग कर रहा, सो पुलिस ने जो फॉलोअप करना शुरू किया
उन्हें पुलिस के जोड़े नाका उन्होंने भी जंप कर दिता। पुलिस मुलाजमान उत्ते भी जोड़ा गड्डी चढ़ाने की कोशिश की, जो उन्हें रोकने की कोशिश की, सो उन्होंने काफ़ी फॉलो करके असं जी है गड्डी जो व्यक्ति है वह गिरफ्तार कर। गड्डी कीरतपुर साहब क्रॉस करके फड़ी गई है, ड्राइवर जोड़ा वो शराबी हालत से, तो उन्हें करीब चार जड़िया पुलिस से नाके जंप किए, कोशिश की कि नाकों को क्रॉस करने की बैरीकेड भी तोड़े है। सो ये असं जो वक्त तरह तहत ये तो मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। सिटी हलचल के लिए नंगल से अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।